साइबर क्राइम आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और लगातार लोग इसका शिकार भी होते जा रहे हैं। अब फिर एक ऐसी खबर आ रही है कि एक लड़की जो आतंक मचा रही है बिल्कुल, और जो भी उनके बॉयफ्रेंड बनते हैं उनसे बहुत लूट खसोट कर रही है, और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने जाता पीड़ित तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। उसके बाद पीड़ित युवक अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तब जाकर अदालत आदेश देती पुलिस को कि इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है रामपुर का, जहां पर के बहुत सारे युवकों को एक लड़की फंसाती है, हालांकि वह पूरा सरगना है जो जानबूझकर पूरी साजिश रचते हैं। पहले लड़की फोन पर अश्लील बातें करती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, उसके बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग करती है, उसके बाद यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड बनाने के बाद उसके साथ कहीं कहीं घूमने भी जाती है, और यह एक के साथ नहीं पता नहीं कितनों के साथ कर चुकी है। और एक युवक ने जब फंसता हुआ पाया खुद को तो उसने उस युवती को भी फंसा दिया, हालांकि लड़की ने बॉयफ्रेंड को बहुत सारा लूट लिया, अश्लील मैसेज रिकॉर्डिंग जो भी था उनके पास उसके दम पर ब्लैकमेल किया, और जो अश्लील फोटो थे लड़के के उसके दम पर ब्लैकमेल किया, और लगभग 3 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए थे लड़की ने और उसके साथियों ने लड़के से, और उसके बाद फिर 5 लाख और मांगने लगी तो लड़का असमर्थ हो गया, जिसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तब उसने अदालत की ओर रुख किया और अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अब उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उसकी असली नाम पता सब कुछ पता करने के बाद ही यह सब हो रहा है। तो आप बचकर रहिए ऐसे फ्रॉड से, लगातार ऐसे होता रहा है। आपने पीछे भी देखा होगा बहुत सारी ऐसे अश्लील वीडियोस कॉल होती थी और जिस तरह से लड़कों को फंसाया जाता था, और ये अभी भी जारी है और बहुत जगह तो यह बहुत ज्यादा फैल गया है। अब हम बात करें जिसकी, वो भी आपको बता देते कि रामपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली एक युवती का आतंक है। युवती फोन पर अश्लील बातें करती है, उन्हें रिकॉर्ड करती है, फिर घूमने का प्लान बनाती है, और उसके बाद अश्लील फोटो वीडियो बनाकर फिर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देती है, और इस तरह से वह इन अश्लील फोटो और रिकॉर्डिंग के जरिए ही लाखों रुपए लूटने का काम करती है, वो और उसके साथी। जी हाँ दोस्तों, और अब जो पता चल रहा है कि आखिरकार वो उसका एड्रेस क्या है और क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि एक पीड़ित युवक की शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने और उसके साथियों के खिलाफ, एक युवती और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मित्तल कोतवाली के ग्राम जलीफ नगला गांव के एक युवक ने अदालत में अपने अधिवक्ता फजले अहमद रसूल के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया कि 12 सितंबर 2020 को उसकी दोस्ती शिवानी नाम की एक युवती से हुई। बाद में दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी और युवती फोन पर अश्लील बातें कर उन्हें रिकॉर्ड करने लगी। 15 अगस्त 2021 को युवती उसके साथ नैनीताल घूमने भी गई, वहां युवती ने उसके कुछ अश्लील फोटो वीडियोज लिए। युवती की असलियत 11 जनवरी 2022 को तब खुल गई जब उसने फोन पर बातचीत के दौरान अपने बॉयफ्रेंड से ही 5 लाख रुपए की मांग कर ली। रुपए न देने पर युवक के अश्लील फोटो और जो बातचीत की रिकॉर्डिंग थी उनके पास, तो उसको इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगी। उसके खिलाफ बलात्कार और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देने लगी और इसके दम पर ब्लैकमेल करने लगी। बदनामी के डर से उसके बॉयफ्रेंड ने, यानी उस युवक ने, कहीं ना कहीं वो भी गलत था तभी उसके साथ घूम रहा था और ये सब हुआ है, तो बदनामी के डर से उसने भी कभी बैंक खाते में तो कभी नगद रुपए देने लगा, यूपीआई के जरिए भी कई बार पैसे ट्रांसफर किए। धीरे धीरे कर युवती ने उससे 3 लाख रुपए ऐंठ लिए, और इसके बाद भी युवती मांगती जा रही थी क्योंकि उसका तो धंधा ही ये था कि किसी तरह लड़कों को फंसाए, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करे। और युवक ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो फिर और ज्यादा गड़बड़ हो गई। फिर उसने दो लोगों से बातचीत कराई युवती ने, और कहा कि उसका पिता और यह उसका भाई है। उन लोगों ने 5 लाख रुपए की मांग की। इस पर युवक ने भी अपने परिवार वालों को हकीकत बता दी, हालांकि डरते डरते बताई होगी लेकिन बता दी, क्योंकि गलत तो वो भी था और उसने भी गलत किया था, और उसने पैसे तक भेज दिए थे 3 लाख के करीब। फिर परिवार वालों ने युवती के बारे में जानकारी निकाली तो उसका असली नाम और पता लगा। युवती कैमरी थाना क्षेत्र के हिरनपुर
हिंग नगला गांव की रहने वाली थी। उसने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर भोले भाले युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने का धंधा किया हुआ है। युवक के दोस्त और मसेरे भाई को भी युवती ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें युवक ने असलियत बता दी, जिससे दोनों बच गए। इस बात पर युवती बौखला गई और उसने उस युवक के खिलाफ 15 मई 2023 को कैमरी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद युवक की क्या हालत होगी। युवती और उसके साथी मुकदमे में राजीनामा करने के नाम पर 35 लाख रुपए की मांग करने लगे। मना करने पर गाली गलौज और मारने की धमकी दी। युवक ने उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। युवक को युवती के अगले शिकार की भी जानकारी हो गई थी। उसने युवती के खिलाफ थाने में शिकायत की, एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, तो उसके बाद फिर युवक ने अदालत की शरण ली। अधिवक्ता के मुताबिक अदालत ने सुनवाई के बाद युवती और उसके साथियों के खिलाफ कैमरी थाना पुलिस में प्राथमिक दर्ज करने के आदेश दे दिए। तो अब जाकर युवती पर कुछ कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते कि कितना बड़ा जाल बुना जाता है। पहले युवक को फंसाया जाता है, उसके बाद फिर बातें की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर घूमा जाता है, नैनीताल जाते हैं, उसके बाद वहां पर फोटो वीडियो बना ली जाती है अश्लील, और उसके बाद वही वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है और लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। और ऐसा न जाने कब से कर रही होगी वो है, और न जाने कितने युवकों को ऐसे ही ऐंठा होगा ब्लैकमेल कर करके। और उसका यह धंधा चलता जा रहा था, और अब युवक भी फंसा हुआ था और युवती भी फंसी हुई थी। तब जाकर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस ने भी नहीं एफआईआर दर्ज की, तो युवक को अदालत की शरण में जाना पड़ा। अब लोग संदेह ये भी जता रहे कि हो सकता है पुलिस को भी पैसे दे दिए हो या ब्लैकमेल कर रखा हो पहले से ही, तभी जाकर पुलिस शायद कोई एक्शन नहीं ले रही होगी। बाकी दोस्तों आप भी सावधान रहिए ऐसी चीजों से। न जाने कितने तरह के फ्रॉड चले हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा है नहीं तो यही सब करते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।